हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंच ऑफ हैप्पीनेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ही हमारा सेकेंड डे कन्नूर में केरला, जहां हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। ऐसे यहां कुछ बहुत अच्छे अच्छे जगह है जो आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करने के लिए जा सकते हो, जैसे लाइट हाउस है, एक फोर्ट है और कुछ बीचेस भी है, वहां पे भी हम जाने वाले हैं। अभी तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं और हम जिस रिसोर्ट में रुके हुए हैं, स्टेज बीच रिसोर्ट, ये एकदम लाइट हाउस के पास में ही है और सारे जो साइट सीन्स है वो सब यहाँ हमारे रिसोर्ट से एकदम थोड़े ही डिस्टेंस में है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं घूमने के लिए और आप भी हमारे साथ इस ब्यूटीफुल सा प्लेस को एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग आ गए हैं अपना फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट कन्नूर में और यहाँ पे जहाँ हम लोग आज आए हुए हैं, सबसे पहले ये है कन्नूर फोर्ट, जिसे हम सेंट एंजेलोस फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। वैसे ये कन्नूर का हिस्टोरिक साइट में आता है, काफ़ी ये बड़ा और पुराना फोर्ट है ये, और इसी के जस्ट बगल में है लाइट हाउस। और ये जो फोर्ट है ये बनाया गया था द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय सैन फ्रांसिस्को द अल्मेडिया 1505 में। कन्नूर घूमने का बेस्ट टाइम है नवंबर टू मार्च और ये जो फोर्ट है ना, ये काफी बड़ा है, आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप लोग आ रहे हो तो एक अम्ब्रेला जरूर अपने साथ कैरी करो, जो हमने नहीं किया है क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है यहाँ है। और बच्चे है ना, तो बच्चों की जो हैट आती है, जरूर आप उनको हैट पहना के और सनस्क्रीन अप्लाई करके लेके आओ, क्योंकि काफी धूप है और काफी दूर तक आपको चलना पड़ेगा। हम लोग अभी कन्नूर फोर्ट घूम के आने के बाद आए हैं लंच करने के लिए। वैसे सोचा कि लंच करके फिर हम लोग जाएंगे लाइट हाउस देखने के लिए, क्योंकि 1:30 PM हो रहा है, भूख लग गया है सबको। वैसे हम लोग आए हैं रंधाल में, ये बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट है, हमने गूगल में भी चेक किया था, इसका रिव्यू बहुत बढ़िया है। फिलहाल हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, तो चलिए अभी चलते लंच के लिए। अभी हम लोगों ने कन्नूर में रानथल रेस्टोरेंट में लंच किया है, लंच तो बहुत अच्छा था और यहाँ पे बहुत ऑप्शंस भी था और सी फूड यहाँ का बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अगर आप लोग कन्नूर घूमने के लिए आ रहे हो तो ये जगह आप लोग के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। ये रहा रानथल रेस्टोरेंट और यहाँ अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये तो जोर से बोलो ताकि हमारे सारे फैमिली मेंबर को अच्छे से सुनाई दे, हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, अभी कन्नूर फोर्ट घूमने के बाद हमारा तो प्लान था कि हम लोग जाने वाले थे
लाइट हाउस घूमने के लिए, लेकिन थोड़ा प्लान में हमने चेंज किया। किसी ने हमें सजेस्ट किया अगर लाइट हाउस जाना है तो शाम को जाना बेटर रहता है, क्योंकि शाम को वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्नेक पार्क, और ये बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल चलिए हमारे साथ आप भी स्नेक पार्क घूम लेते हैं। अभी हम लोग स्नेक पार्क से डायरेक्ट आ गए हैं अपने रिसोर्ट, द स्टीप बीच रिसोर्ट कन्नूर, और हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट लेके और यहाँ से सनसेट देखने के बाद हम लोग लाइट हाउस जाएंगे। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा, किसी ने हमें सजेस्ट किया है लाइट हाउस रात को जाना सही रहता है। फिलहाल तो रिसोर्ट हमारा इतना सुंदर है कि हम यहाँ का सनसेट का व्यू मिस नहीं करना चाहते, इसलिए हम आ गए हैं अभी सनसेट देखने के लिए और थोड़ा फ्रेश हो लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे बाकी के साइट सीन्स के लिए। आज ही कन्नूर में हमारा सेकेंड डे, और आज हमने दो साइट सीन्स यहाँ घूमे हैं, द कन्नूर फोर्ट और स्नेक पार्क। वैसे लाइट हाउस हमने सोचा था कि हम रिसोर्ट में आके फ्रेश होकर फिर जाएंगे, लेकिन लाइट हाउस हमारा जाना नहीं हुआ क्योंकि 6 बजे लाइट हाउस बंद हो जाता है और ऑलरेडी हमें रिसोर्ट पहुँचते पहुँचते 6 बज चुका है। फिलहाल तो हम लोग अपने रिसोर्ट में ही बैठे हुए सनसेट देखने का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं अपने रिसोर्ट में बैठी हुई हूँ और हम लोग सनसेट इंजॉय कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने शाम का दूसरा जो हमारा प्लान था सब कैंसिल कर दिया, सिर्फ इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। तो हम भी इस व्यू को एंजॉय करते हैं और आप भी हमारे साथ कन्नूर का सी बीच से सनसेट इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। ऐसे आज हम यहाँ पे द एंजेलोस फोर्ट एंड स्नेक पार्क, ये दो जगह बहुत अच्छे से घूमे हैं, और इस जगह के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको मेरे इस ब्लॉग में मिल जाएगा। और कल भी हम निकलने वाले हैं, देखते कल हम कहाँ कहाँ जाते हैं वो सब देखने के लिए आपको मेरे ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। कल मैं बहुत जगह और सुंदर सुंदर जगह जो कन्नूर में है सब कुछ घूमूंगी और सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर भी करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय फ्रॉम द ब्यूटीफुल सी बीच कन्नूर।